तो चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। लेट ए माइनस ए कॉमा जीरो एंड बी ए कॉमा जीरो, बी एनी टू फिक्स पॉइंट्स एंड लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू के स्क्वायर, फिर के इज कॉन्स्टेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले जैसे बताया गया था आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जब आपको बताया गया था कि लोकस का इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, इक्वेशन ऑफ लोकस के लिए तो तीन स्टेप्स बताई गई थी ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक रफली डायग्राम बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, हम मूविंग पॉइंट ले रहे हैं पी, एक मूविंग पॉइंट क्या ले रहे हैं पी, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा एच कॉमा के। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ए पॉइंट बी, चलिए इसको ले रहे हैं पॉइंट ए, यहां ले ले रहे हैं, कहीं भी ले सकते हैं, चलिए पॉइंट ए यहां ले ले रहे हैं और पॉइंट बी यहां ले ले रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए ये कितना, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखें, पॉइंट ए है माइनस ए कॉमा जीरो और पॉइंट बी जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना है ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो ए है और बी कितना है ए कॉमा जीरो, ऐसे रफली डायग्राम ही बना ले रहे हैं। ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे, रफली डायग्राम बना लिया पी ए पी बी। चलिए अब इसके बाद देखिए यहां पे दिया गया है, लेट अ पॉइंट, लेट ए माइनस ए कॉमा जीरो एंड बी ए कॉमा जीरो, बी एनी टू फिक्स पॉइंट एंड लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू के स्क्वायर, फिर के इज कॉन्स्टेंट, जो के है वो क्या है कॉन्स्टेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी। तो हमें इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी डिस्टेंस और पीबी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए पीए और पीबी निकाल लेते हैं। तो पीए निकालेंगे, पीए इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये होगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहां पे, ये हम निकाल रहे क्या पीए स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए अब इसे पीए निकाल रहे हैं, पीए कहिए या एपी कहिए, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो चलिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा, किसी को भी आप मान सकते हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू या फिर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, किसी को भी ले सकते हैं। चलिए तो हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा एच प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद के माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर यहां पे देखिए आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो के है इसको स्मॉल के रख रहे हैं, कौन सा के रख रहे हैं स्मॉल के, यहां लिख दे रहे हैं देखिए ये, ठीक है यहां पे हो जाएगा स्मॉल के का स्क्वायर, ये आ गया। चलिए अब यहां पर देखिए पी ए स्क्वायर अगर हम कर दें यानी टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद चलिए पी भी निकाल ले रहे हैं, क्या निकाल ले रहे हैं पी भी, ऐसे निकाल ले रहे पी बी, पी बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, चलिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो हो जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी के माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका के माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो पी बी हम निकालेंगे तो पी बी इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ गया। पी बी स्क्वायर निकालेंगे तो पी बी स्क्वायर, अगर पी बी स्क्वायर निकालेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो इधर रूट हट जाएगा यानी आ जाएगा एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए पी ए स्क्वायर भी निकल गया, पी बी स्क्वायर भी निकल गया, पी बी स्क्वायर है, पी ए स्क्वायर निकल गया और पी बी स्क्वायर निकल गया। अब इसके बाद चलिए हमें क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दी गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले ले रहे हैं आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया पी ए स्क्वायर लेके पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू दिया गया कितना टू के स्क्वायर, टू के स्क्वायर, यहाँ पे के क्या है के कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलिए जो कॉन्स्टेंट यानी एक फिक्स वैल्यू है, अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, चलिए वैल्यू रखते हैं पी ए स्क्वायर कितना आया है, पी ए स्क्वायर आया है एच प्लस ए का होल स्क्वायर, एच प्लस ए का होल स्क्वायर और क्या है प्लस के स्क्वायर,
प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर क्या है, प्लस सी बी स्क्वायर, बी बी स्क्वायर आया एच माइनस ए का होल स्क्वायर, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है के स्क्वायर है ना, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये रख दिया इक्वल टू कितना टू के स्क्वायर इज इक्वल टू टू के स्क्वायर, टू के स्क्वायर यहाँ पे देखिए स्मॉल के है जो हमने ये के लिया है, और जो उधर दिया गया आपको पहले से जो यहाँ पे इक्वेशन में दिया गया था कि ये क्या है ये कैपिटल के है, यानी के इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चलिए फॉर्मूला ओपन करते हैं, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एच, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसके बाद फिर है यहाँ प्लस के स्क्वायर, तो स्क्वायर एच दिख ले रहे हैं, यहाँ पे भी ओपन करिए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एच है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आगे आगे कितना है प्लस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर दिखा रहेगा, और आगे कितना है आर एच एस में टू के स्क्वायर, टू के स्क्वायर ये है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ सॉल्व कर ले, प्लस टू एच माइनस टू एच ये कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा कितना टू एच स्क्वायर, ये आ गया कितना टू एच स्क्वायर, प्लस फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा कितना टू ए स्क्वायर आ गया है ना, उसके बाद के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा टू के स्क्वायर, टू के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना है इधर है पहले से ही ऑलरेडी टू के स्क्वायर है ना, और देखिए टू 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 सब में क्या है कॉमन हो सकता है, तो हम क्या करें टू से सारे टर्म्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, टू से हम जब डिवाइड करेंगे सारे टर्म्स में यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा के स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हम क्या करते थे, जब आपको इक्वेशन ऑफ लोकस बताएगा तो लास्ट में क्या करते थे, थर्ड स्टेप क्या कहते थे, जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा उसमें हम h, k को रिप्लेस कर देंगे x, y से, यानी h की जगह x लिख देंगे और k की जगह y लिख देंगे। चलिए तो h स्क्वायर यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऐसे जैसे लिखा रहेगा ए स्क्वायर जैसे लिखा है ए स्क्वायर प्लस k की जगह क्या लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या रहेगा k स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट वाला k है ठीक है, तो ये k रहेगा। अब यहाँ पे आगे आपका इक्वेशन देखिए, इसको मैसेज भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या के स्क्वायर, के स्क्वायर ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आ गया ठीक है, यही आपको कहना था फाइंड द इक्वेशन यही लाना था, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी, तो इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर ठीक है ना, कर लीजिए।